उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद का नजारा नहीं है ये, जिसे देखकर आप हैरान हो रहे हैं। भाई साहब, लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के बीचों बीच चौराहे पर पुतला फूंक दिया गया, पराली जला दी गई और ट्रैक्टर खड़ा कर दिया गया। किसानों का ऐसा प्रदर्शन देख भाई साहब आसपास के लोग भी बका गए, घबरा गए कि भाई रे भाई क्या हो रहा है, कहीं किसान यही तो प्रदर्शन नहीं कर देगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, नारेबाजी बनो हुई, पराली बनो जलाई गई, बीच चौराहे पर हंगामा बनो हुआ, लेकिन दिल्ली के लिए कोच कर दी। अब सुनेंगे कि मामला क्या था, ये सुनते ही किसान कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। वैसे भी हमारे संवाददाता उत्तम शर्मा मौजूद है। ABN News 24 से मैं उत्तम शर्मा इस वक्त पारा चौराहे पे खड़ा हूँ। यहाँ पे किसान यूनियन वाले भाई मेरे साथ में खड़े हैं, इनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ये लोग दिल्ली जा रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह से। दिल्ली किस बेस पे जा रहे हैं आप? जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं लखनऊ जनपद का किसान हूँ। मैं दिल्ली अपनी जो किसान विरोधी जो बिल बनाए हैं उस संबंध में सरकार से वार्ता के लिए जा रहा हूँ, और हमारे जो किसान भाई पंजाब हरियाणा या अन्य प्रदेशों के दिल्ली में हैं उनके देखरेख, उनके सहयोग और उनके हौसला अफजाई के लिए प्लस इस बिल को ख़त्म कराने के लिए सरकार से शांतिपूर्वक बात करने के लिए हम लोग दिल्ली के लिए निकले हैं, और बिना दिल्ली पहुंचे हम लोग वापस नहीं आ जाएंगे। जो ये पुलिस प्रशासन आपको बीच बीच में रोकते, इसका महत्व क्या क्या मतलब है? पुलिस प्रशासन ने अभी तक हमको नहीं रोका है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस भारत देश में 2/3 किसान है, किसान को कौन रोक सकता है? पुलिस कैसे रोक सकती है? पुलिस में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तो किसान के लड़के हैं। अगर वो रोकते हैं तो बहुत ही शर्म की बात होगी, क्योंकि हम लोग शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रखने के लिए शासन दिल्ली जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों को पुलिस प्रशासन ने नहीं रोका है। अगर हमें आगे रोकती है तो फिर देखा जाएगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक अपनी मांगे नहीं मनवा लेंगे हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। चौराहे पे आपने पुतला जलाया, आप लोगों ने तो उसका क्या महत्व है? हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। हमें बंदूकों से, वाटर कैनन से या आप आंसू गैस के गोलों से नहीं डरा सकते। हम रात दिन किसान आग से भी खेलते हैं, पानी से भी खेलते हैं। हम किसान चूल्हे पे खाना बनाते हैं, आग से खेलते हैं और ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, पानी से खेलते हैं। आप क्या डराओगे हमें? हम रात दिन उसी से खेलते हैं। हम रात दिन खेत की मिट्टी जोत कर उससे अनाज पैदा करने वाले हैं। हम लोग गर्मियों में जलते हैं, धूप में जलते हैं, हमें क्या डराएंगे? हम संदेश देना चाहते हैं सरकार को। रैली आपकी कहाँ से आ रही है? हम मोहनलालगंज तहसील व लखनऊ जनपद के किसान हैं, और हम दिल्ली जा रहे हैं और हम दिल्ली जाके ही रहेंगे। तो सुना भाई साहब आपने, किसान कार्यकर्ताओं ने क्या कहा? पुतला तो फूंक ही दिया गया है, और भानुगुट के कार्यकर्ताओं में तो कुछ ज्यादा ही जोश है। फिलहाल उत्तर प्रदेश समेत मोहनलालगंज तहसील के लिए उत्तम शर्मा की ब्यूरो रिपोर्ट।